हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीकास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मॉर्निंग का भी है, मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा है। और मिश्रिति अभी जा रहे ब्रश करने के लिए, सो के उठे, और मम्मी बाबू को लेके नीचे धूप में खड़ी है, क्योंकि धूप भी जरूरी है कुछ दिन लेना, और बोला जाता है मतलब कुछ दिन धूप लेने के लिए अच्छा होता है बच्चे के लिए, क्योंकि धूप में लेकर गई है। और बाबू का थोड़ा सा आँख में ना मतलब पीला टाइप का लग रहा है, तो हमको तो देखे तो हमको लगा कि शायद जॉन्डिस तो नहीं ना हो गया है। जॉन्डिस होता है तो फिर उसमें मतलब छींक वूक नहीं होता है, और मन मतलब खाता पीता नहीं बच्चा, लेकिन सब कुछ ठीक है, सिर्फ आँख थोड़ा सा पीला लग रहा है। तो अभी जाएंगे काउंटर में, जाके बोलेंगे कि मतलब बच्चे वाला डॉक्टर जो आएंगे ना, तो उनसे थोड़ा सा मतलब बच्चे को मिलवाना है, दिखाना है अपने बच्चे को। तो जो भी जाएंगे नीचे थोड़ी देर में जाके बोल देंगे, फिर अपना बाबू को दिखा लेंगे वहाँ पे। फिर पता नहीं, कल ही हम रात में देखे, हमको लगा कि हाँ थोड़ा बहुत पीला है, तो फिर अभी नर्स आई तो वो भी देखी, बोली हाँ दिखा लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्यों मतलब मन में ऐसा रखना। तो अभी आएगा मतलब थोड़ी देर में डॉक्टर, तो फिर दिखवा लेंगे। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग हैं हॉस्पिटल में, और हमसे मिलने आए हैं हमारे एक भैया, दीदी, प्यारी सी दीदी, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कि सायमन में ही रहते हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम मतलब कोई मिलने आया हम लोग से, मतलब हम लोग नहीं सोचे थे कि कोई मिलने आएगा, लेकिन हम लोग को जब मिले तो बहुत अच्छा लग रहा है इन लोग से मिलने में। भैया आपका नाम? मेरा नाम रजत कुमार वर्मा हुआ। अच्छा दीदी आपका नाम? मीनू वर्मा। अच्छा थैंक यू सो मच दीदी, भैया आप लोग आए हम लोग से मिल, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। पता रहता तो पहले ही आते, कल पता चला नहीं, भैया काम में थोड़ा बिजी रहते इसलिए थोड़ा नहीं पता चल पा रहा था उनको, लेकिन देर से ही सही, लेकिन मिल गए, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं बाहर हॉल में, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, इसी वजह से थोड़ा यहाँ बैठ के मतलब पंखा ऑन करके थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे यहाँ बैठ के हम लोग। मिश्रिति भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए भी बोला गया है और थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला गया है, तो अभी यहाँ से टहल रहे थे और बैठ के रेस्ट भी कर रहे हैं, अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और आज जो आप लोग को दिख रहा होगा कि पूरा सीट खाली है, हाँ नहीं तो इस टाइम तो इतना भीड़ होता है ना, मतलब यहाँ पार होने मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। बात आज मैम आई नहीं है, जो डॉक्टर जो हमारी है वो आज नहीं आई हुई है, शायद उनका एनिवर्सरी है आज, इसी वजह से आज वो छुट्टी में है, इसी वजह से आप पूरा खाली दिख रहा है। तो इस टाइम तो इतना ज़्यादा भीड़ दिखता है ना यहाँ पे, कि मतलब हम लोग बाहर नहीं निकलते रूम से, बहुत भीड़ रहता है। और मिश्रिति कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोले? हाँ हम बोलना चाहते हैं, जो मतलब कि हमारे सब्सक्राइबर जो आए थे मिलने के लिए, हाँ वो हमारे लिए मतलब बहुत सारा चीज़ भी लेके आए थे, जो कि हम लोग मतलब सोचे नहीं थे कि मतलब ऐसा सबसे पहले हम करेंगे। वो जब आई तो हमको लगा कौन है, हमको तो पहचान में नहीं आई कि कौन था, मतलब कौन है। हम सोचे ना कि आपका कोई रिलेटिव होगा, तो हमको भी ऐसा ही लगा, आपका रिलेटिव होगा या शायद उनका रिलेटिव होगा, हाँ बगल वाले का, बगल वाले का। हाँ तो वही जब आई तो फिर हम बोले कि कौन है, तो फिर सब्सक्राइबर, तो हम समझ गए कि जरूर सब्सक्राइबर ही होंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप हमसे मिलने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा, इतना कि बहुत 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 अच्छा लगा इतना हमारे लिए। और यहाँ पे जब से आए हैं तो कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ मदद कर ही रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी भी है एक, जो दीदी से भी मिलवाएंगे आप लोगों को, जो हमारे आज भी नाश्ता लेकर आई थी दीदी हम लोगों के लिए, रात को भी बोल रही थी खाना बना के देते हैं, हम लोग बोले कि नहीं नहीं हम लोग का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अभी जो आए थे दीदी और भैया जो आए थे हम लोग से मिलने के लिए, सब्सक्राइबर जो हमारे हैं वो बहुत दिन से हमारा वीडियो देख रही है, पास में उनका घर है, तो हमारे लिए चाय वगैरह लेकर आई थी, चाय ठंडा पानी, खाना भी लेकर आई, क्या खाना लेकर वो आप लोगों को दिखा देंगे हम लोग। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब कोई मिलने आएगा, कोई मदद करेगा ऐसा। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके यहाँ से आया था खाना, तो देखते हैं क्या क्या है खाने में, दिखाते हैं आप लोगों को। मम्मी अभी खोल रहे हैं, तो सबसे पहले है अचार, लाल लाल मिर्च का अचार है, और इसमें है पतंजलि का अचार, ये सब्जी है, आलू दम,
बोला का पतंजलि का कुछ है इसमें, और इसमें भी है आलू दम का सब्जी। बाबू को भी मम्मी खिला रही है। ये भी आलू दम, ये भी आलू दम, कितना क्वांटिटी दे दिए हैं। और ये रहा पराठा है, ये मेरा पराठा जो कि अभी भी थोड़ा बहुत गर्म है इसमें। तो यही रहा हमारा दोपहर का खाना। तो थैंक यू सो मच, आपने मतलब खाना दिया हमें। थैंक यू भैया और दीदी को, दोनों को थैंक यू सो मच। श्रुति निकाल रहे हैं अपना खाना, मेरा आलू दम और पराठा। झोल मत लीजिएगा, मसाला है थोड़ा ना, सिर्फ आलू खा लीजिए। ठीक है ना? तो करते हैं खाने को एंजॉय। तो अपने एक प्यारे छोटे सब्सक्राइबर से आपको मिलाते हैं, बुलाते हैं उनको, वो आए हम लोग से मिलने के लिए, वो भी देख लीजिए। बाबू कम आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं, वो भी ब्लॉगिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, वो भी ब्लॉगिंग करते हैं। तो देखिए अभी वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो आपको अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना? अच्छा, आपका फेवरेट कौन है यूट्यूबर? अंशु बिष्ट है। सौरभ जोशी नहीं है? सौरभ जोशी वो तो ब्लॉगर में है। हाँ, ब्लॉगर में ही पूछ रहे हैं। ब्लॉगर में सौरभ जोशी। अच्छा अच्छा, हम लोग वीडियो कब से देखते हैं? आप लोग आए थे ना, तो जब आप लोग का बेबी हुआ था ना तब से। अच्छा, कैसा लगता है हम लोग का ब्लॉग? क्योंकि देखो हम लोग रियल कंटेंट बनाते हैं, हम लोग कुछ बनावटी नहीं दिखाते हैं उसमें। कितने साल के हो? 9 years. क्या नाम है? रियांश। आप हमको कुछ भी बुला सकते हैं, रियांश या नीशु, मेरा घर का। अच्छा, तो बहुत अच्छा नाम है रियांश। घर का नाम रियांश नहीं, घर का नाम रिशु है। अच्छा, घर का नाम रिशु है। हाँ, स्कूल का नाम रियांश है। अच्छा, कौन से क्लास में? 3 में। वाह, बहुत बढ़िया। हे गाइस, तो मैं बैठी हुई बाहर, सो रही थी और बाबू अभी सो रहा है, तो बाहर बैठे अभी तो पूरा खाली है, कोई है नहीं। मिस्टर गौर थोड़ा सामान लाने गए हैं बाहर, मतलब सामान कुछ कुछ ख़त्म हो गया था, जैसे बाबू का कपड़ा धोने का, डेटॉल वगैरह लाने के लिए गए हैं मार्केट। और शाम अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। और यहाँ पे ऐसा दिन बीत जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, लग रहा है कि घर बन गया है हॉस्पिटल। इतना अच्छा लगता है ना, शांति है पूरा, एकदम लगता है अपना घर ही है। और बाबू बिल्कुल ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं, सब डॉक्टर मतलब सब नर्स लोग जो है वो बताई कि बाबू का जो आँख पीला है, मतलब आँख पीला पीला थोड़ा लग रहा है, वो अभी है, होता है, छोटा है अभी, बहुत लोग बहुत बच्चे का हुआ है। तो सबसे पहले सुबह जो धूप आती है वो दिखाना पड़ेगा, एकदम लालिमा वाला धूप जो होता है वो दिखाना पड़ेगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बस सुबह सुबह 5 बजे मम्मी लोग धूप दिखाएगी बाबू को, तो सब ठीक हो जाए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग घर कब जा रहे हैं? आज तो कुछ हुआ नहीं, तो कल मेरा ड्रेसिंग वगैरह होगा और मैम देखेगी डॉक्टर कि टाँका कटने का लायक है कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं अंदर। इसके बाद मैम बताएगी कब टाँका कटेगा, तब हम लोग सब कुछ एक ही बार कटवा के, मतलब मेरा जो है सब कुछ करके हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और मुझे तो गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो चल तो जाऊँगी आराम से धीरे धीरे, फिर आना फिर जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो इसीलिए सब कुछ करवा के हम लोग अच्छे से आराम से घर चले जाएंगे। और वहाँ पे बहुत सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ है, मेरा बच्चा पहली बार अपना घर जाएगा, तो कुछ तो होना चाहिए, इसी वजह से तो जाएंगे हम लोग। लेकिन ये सब पूरा काम इधर का कंप्लीट हो जाए, इसके बाद फिर घर चले जाएंगे। तो ये आप लोग को बताना था कि थोड़ा दिन और है तो हॉस्पिटल में, देखती हूँ कल क्या बोलती है डॉक्टर, इसके बाद फिर हम लोग डिसीजन लेंगे।
लेकिन हम लोग अपना मेरा जो है टाका वो कटवा के ही जाएंगे। अब वैसे तो वो आजकल गलने वाला हो गया है, तो थोड़ा बहुत मैम देखेगी वो सब जो कुछ है वो करेगी इसके बाद फिर जाने के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अपना प्यार ऐसे बनाए रखे, ऐसे सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा लगा आज हमसे मिलने आए हमारे सब्सक्राइबर, इतना सारा प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज के लिए बाय।